नमस्कार दोस्तों, CGPSC मेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह और आप मेरे साथ CGPSC मुख्य परीक्षा पेपर 2 में पूछे जाने वाले निबंध के छत्तीसगढ़ खंड पर चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ जो खंड है उस पर 2 निबंध आपको मुख्य परीक्षा में लिखने हैं। कुल अगर इस खंड को देखा जाए, निबंध खंड को देखा जाए अर्थात पेपर 2, अगर हम पेपर 2 देखते हैं तो पेपर 2 जो है कुल 200 नंबर का है। इन 200 नंबर में 100 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि यहाँ पर 100 नंबर में 4 टॉपिक दिए जाएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जिनमें से 2 टॉपिक पर आपको लिखना है, जिस पर चर्चा आप आनंद सर के साथ करेंगे। और 100 मार्क्स के ही 4 टॉपिक आएंगे, जिनमें 4 टॉपिक दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 2 टॉपिक पर निबंध लिखना होगा। और ये जो टॉपिक होंगे वे छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित होंगे, अर्थात 4 टॉपिक जो होंगे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित होंगे, जिनमें से 2 पर आपको निबंध लिखना है। और 4 टॉपिक आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दों पर होंगे, जिनमें पर 2 पर आपको निबंध लिखना है। और ये हर एक निबंध जो आप लिखेंगे उस पर जो आपको अंक मैक्सिमम प्राप्त हो सकते हैं वे हैं 50 अंक, यानी कि 2 निबंध लिखेंगे तो आप मैक्सिमम 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप यहाँ भी देखेंगे तो 2 निबंध आप लिखेंगे और मैक्सिमम अंक जो आप गेन कर सकते हैं वे होंगे आपके 100। ये जो निबंध आपको लिखना है, उन निबंधों की शब्द सीमा, इन निबंधों की जो शब्द सीमा है वो शब्द सीमा है आपकी 750 शब्द। 750 शब्दों में आपको इस निबंध को लिखना है। तो अगर आप देखें 750 शब्दों में अगर आपको कोई निबंध लिखना है तो आपको, अगर हम छत्तीसगढ़ PSC में देखें तो एक पेज है ना, और यह पेज में लगभग 21 लाइनें होती हैं। और हम ये अगर माने कि एक लाइन में हम 10 शब्द लिखते हैं, अर्थात एक पेज में लगभग हम 210 शब्द लिख रहे होंगे, अर्थात 750 शब्द लिखने के लिए हमें 3.5 पेज के आसपास की ज़रूरत होगी। अर्थात हम अगर कोई टॉपिक ले रहे हैं निबंध का तो हम उसको लगभग 3.5 पेज के आसपास लिखेंगे, तो हम अपनी जो शब्द सीमा है उसको क्या कर पाएंगे, रीच कर पाएंगे। तो हम जो निबंध लिखेंगे वो 750 शब्द में लिखेंगे, मैक्सिमम हमारा है। हम से संबंधित 2 मुद्दों पर निबंध लिखेंगे और हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो निबंध का खंड है छत्तीसगढ़ मुख्य परीक्षा में, अगर आप 7 पेपर देखें तो 7 पेपर में से लैंग्वेज का पेपर एक है जिसमें आप सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सकते हो, और उसके बाद अगर कोई पेपर है जिसमें अधिकतम स्कोर किया जा सकता है तो वह आपका निबंध का पेपर है। तो अगर आप निबंध की अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो निबंध में आप 140 नंबर के आसपास तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसको आपके प्रयासों के माध्यम से इस अंक को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, तो 150 ही पा सकते हैं आप, और आप 160 नंबर तक भी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो निबंध का टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात यह आती है कि इस निबंध के टॉपिक की तैयारी कैसे की जाए। तो देखिए, निबंध का जो ये पूरा का पूरी कहानी है इस पर हम अभी चर्चा करें। इसके पहले हम देखें कि छत्तीसगढ़ में जो निबंध आते हैं उसमें मुख्य रूप से चीज़ें क्या होती हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें कि मुख्य रूप से क्या पूछा जाता है, तो आप अगर सिलेबस देखेंगे, अगर आप छत्तीसगढ़ में निबंध देखते हैं तो 4 चीज़ें बहुत स्पेसिफिक रूप से कही गई हैं। तो अगर आप सिलेबस देखें तो सिलेबस में सबसे पहला निबंध में लिखा हुआ है कारण। अगर जो भी टॉपिक आपको दिया जा रहा है उसका आपको कारण लिखना है। दूसरा आपको लिखना है वर्तमान स्थिति पर, वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति को उसने वर्तमान स्थिति आंकड़े सहित लिखा हुआ है। मैं दोनों को अलग कर रहा हूं, हम पहले किसी भी टॉपिक का कारण बताएंगे, उसके बाद हम वर्तमान स्थिति बताएंगे, फिर हम बताएंगे आंकड़े, और फिर फोर्थ में हम बताने वाले हैं समाधान। ठीक, तो ये 4 मुख्य रूप से निबंध के टॉपिक हैं जो छत्तीसगढ़ में निबंध पूछे जाते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को आधार बनाकर हमने निबंध का टॉपिक क्रिएट किया। निबंध का टॉपिक हमने कैसे क्रिएट किया, हमने 27 फरवरी को हमारी वेबसाइट में डिस्कशन कम्युनिटी नाम का एक सेक्शन बनाया है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ हम निबंध का टॉपिक क्रिएट करते हैं और हम वहाँ आपको यह अवसर देते हैं कि वहाँ आप अपने आंसर लिखकर
सबमिट कर सकें। हम उन सभी आंसर्स को देखने का प्रयास करते हैं। बहुत से स्टूडेंट ने बहुत अच्छा लिखा है, जैसे मधुलिका ने बहुत अच्छा निबंध लिखा है इस टॉपिक पे, छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक बदलाव का दौर एवं सरकार के प्रयास, उनका निबंध काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है। अब 27 फरवरी को आप जैसा देखते हैं, जैसे कि आज संडे है, तो संडे को ये टॉपिक वीडियो के रूप में आपके पास आ रहा है। इससे 3 दिन पहले हम टॉपिक को क्रिएट करते हैं और आपको लिखने का अवसर देते हैं, और उसके बाद हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो अगर मैं इस निबंध पर आज चर्चा करने वाला हूं, तो इसके पहले हम 3 दिन पहले ही हमारी वेबसाइट पर इस निबंध की क्या कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। वहाँ पर हमने ये टॉपिक दिया था और उन्हीं आप लोगों ने जो लिखा है उन्हीं के आधार पर उन चीज़ों को समझते हुए निबंध को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा कि निबंध एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। तो मैक्सिमम स्कोर करने के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या क्या हैं, बहुत से छात्र ये कहते हुए मिलते हैं कि निबंध की तैयारी हम कैसे करें या कैसे लिखें, हमें शुरुआत करते ही नहीं बनता कि हम निबंध लिखना शुरू कैसे करें। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप टॉपिक एक बार देखिए, एक बार जैसे ही आप टॉपिक देख लेते हैं और जो भी विचार आपके आते हैं उन विचारों को आप लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक बदलाव का दौर एवं सरकार के प्रयास, हमने एक टॉपिक दिया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, तो प्रारंभिक रूप से आपके क्या क्या विचार बनेंगे। मैं इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ इसी तरीके से ले गया। मैं 3 पार्ट में इस निबंध पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमने बेसिक रूप से जाना, अब जब हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम निबंध के बारे में कोई टॉपिक नहीं जानते, हमने कोई पढ़ाई नहीं की है और हम नहीं जानते कि निबंध कैसे लिखा जाता है और हमें निबंध लिखना है, तब हम कैसा निबंध लिखेंगे, हम थोड़ा पढ़कर कैसा निबंध लिखेंगे और उसके बाद हम एक अच्छा निबंध कैसे लिख सकते हैं, इस पर पूरी चर्चा मैं करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप अगर आपकी स्क्रीन पर जैसे आ रहा हो, देखिए कि अगर आप एक सिंपल रूप से निबंध लिखना कोशिश करें तो कौन कौन सी बातें आप इस निबंध में जोड़ेंगे, कैसे समय के साथ बदलाव, समय के साथ बदलाव। अगर हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक बदलाव की, तो अगर संस्कृति शब्द आया है तो अगर आप संस्कृति शब्द को बस ध्यान देंगे तो संस्कृति शब्द से ही आपको पता चलेगा कि समय के साथ बदलती है संस्कृति। अब इसी शब्द के साथ अगर आप लिखें कि समय के साथ संस्कृति क्या होती रहती है, बदलते रहती है, पहले कभी पुरानी सभ्यताएं हुआ करती थी, अब एक नया युग आ रहा है, समय के साथ चीज़ों में परिवर्तन देखा जा रहा है, आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपकी पहली लाइन है। फिर आप देखें नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के विचारों में अंतर होता है, अगर समाज है, समाज लोगों से मिलकर बनता है और लोगों से मिलकर अगर समाज बन रहा है तो आप देखेंगे कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच के विचारों का अंतर स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा। और ये आम चर्चा का सब्जेक्ट है, हम यहाँ देखिए मैं जो चर्चा कर रहा हूँ उस चर्चा में मैं निबंध को किसी भी तरीके से सब्जेक्टिव नहीं ले जाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने अंदर लिखने का एक कॉन्फिडेंस पैदा करें, क्योंकि निबंध के साथ यही दिक्कत है कि हमें 750 शब्दों में लिखना है। अब 750 शब्दों में लिखना तो है हमें, लेकिन हम शुरुआत कैसे करें, तो मैं उस शुरुआती चर्चा को कर रहा हूं जहां पर आप सीख सकें कि निबंध कैसे लिखा जाता है। मैं 3 स्टेप पर चर्चा करने वाला हूं। पहला स्टेप है मेरा कि बस आप सोचते क्या है टॉपिक को देखकर, फिर दूसरे में आप किस तरीके से सोचेंगे और तीसरे तरीके से आपको निबंध एक्चुअल में कैसे लिखना है, इस पर चर्चा है। तो अब आप देखते हैं अगर कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी में अंतर होता है, ये भी आप इसी शब्द के साथ अंतर निकाल सकते हैं। फिर आप देखें लोकाचार और परंपराओं में परिवर्तन, तो आप देखते होंगे कि समाज में पहले पैर छूने की परंपरा थी, एक दूसरे के घर आने जाने की परंपराएं थी, बहुत से रीति रिवाज थे जो कि अब क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं और इसको आप भी सब महसूस कर रहे हैं, तो आप इसको भी अपने निबंध में शामिल करते हैं। फिर आप देखते हैं कि समाज कैसे बदल रहा है, समाज शहरीकरण हो रहा है, मतलब ग्रामीण व्यवस्था से हम शहरों की ओर विस्थापित हो रहे हैं, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या शहरों की ओर विस्थापित हो रही है, तो क्या हो रहा है समाज का एक बदलाव आप कहाँ पर देख रहे हैं, शहरीकरण की ओर देख रहे हैं, यानी कि ग्रामीण से शहरीकरण होता हुआ समाज आप देख रहे हैं। फिर औद्योगिकरण हो रहा है, गाँव में पहले खेती किसानी हो रही थी, खेती ही मुख्य हमारा व्यवसाय था, अब औद्योगिक रूप लेता जा रहा है समाज, समाज कैसा होता जा रहा है, उद्योगों की ओर जा रहा है, तो आप औद्योगिक रूप से समाज को देख रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि आदिवासी संस्कृति जो है उसका
एक परिवर्तित रूप आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप आदिवासी संस्कृति में देखते हैं तो आप बूढ़ा देव दुल्हा देव की पूजा देखते थे, अब आप देख रहे हैं कि दुर्गा माँ की पूजा हो रही है, गणेश भगवान की पूजा हो रही है। तो जो पूजा पद्धति और भगवान बदलने का एक सिस्टम आप अगर देखें, अगर वहाँ पर भगवान बदलने शब्द अगर हम यूज़ ना करें, अगर हम कहें कि पूजा पद्धतियों में अंतर हम देखने को यहाँ पर हमको मिल रहा है, और यह भी हम अपने आसपास ही देख रहे हैं, तो यह भी एक सामाजिक बदलाव के रूप में हम देख रहे हैं। अगला अगर आप देखें तो हर व्यक्ति, पहले उच्च वर्ण और निम्न वर्ण का एक कॉन्सेप्ट था, हर व्यक्ति उच्च वर्ण की तरह दिखने का प्रयास करता है। और अगर आप सामाजिक रूप से देखें तो समाज में एक स्तर इसी तरीके से बनते हैं कि हर एक व्यक्ति उच्च वर्ग की ओर क्या है, आकर्षित होता है। और अगर आप सांस्कृतिक रूप से देख रहे हों तो आप हर व्यक्ति को देखते हैं कि वो जैसा उच्च वर्ग का व्यक्ति करता था उस तरीके से हर व्यक्ति करने का प्रयास कर रहा है, ये आप अपने आसपास भी देख पाते हैं। तो इसको भी आप अपने निबंध में शामिल कर सकते हैं। एक कारण आप देखते होंगे सामाजिक बदलाव का, वो है ये बहुत बड़ा कारण आपके सामने आएगा, वो है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण कैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ के संबंध में अगर आप देखें तो मध्य छत्तीसगढ़ में रहने वालों की संस्कृति एक अलग ही तरीके की है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में रहने वालों की संस्कृति अलग तरीके की है, और उत्तर छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों की संस्कृति अलग तरीके की है। तो इस तरीके से आप देखें तो भौगोलिक रूप से भी संस्कृतियों का विभाजन आपको देखने को मिलता है। तो सांस्कृतिक बदलाव को अगर आप देख रहे हैं तो आप इस मुद्दे पर भी देख सकते हैं कि सामाजिक बदलाव के आधार पर और भौगोलिक आधार पर भी ये समाज हमारा क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। और देखें आप तो क्या नाचा गम्मत, जैसे रात रात को नाचा हुआ करता था ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत पहले, अब नाचा जैसी संस्कृति खत्म होते जा रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। तो नाचा और गम्मत का जो कल्चर था वो हम क्या दिखने को मिल रहा है, वह आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अपराधीकरण इन सब चीज़ों के कारण बढ़ा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा विस्थापित हुए हैं, और जो शांति का माहौल था वो कहीं ना कहीं अपराधीकरण के माहौल में तब्दील हुआ है। और अपराधों की प्रवृत्ति इन सभी कारणों से आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है कि अपराधीकरण भी बढ़ा है। और इन सब के साथ आप देखते हैं कि जब भी गांव से लोग छोड़ छोड़ कर कहाँ आ रहे हैं, शहरों की ओर आ रहे हैं, अर्थात विस्थापन की जो दर थी वो क्या हुई है, बढ़ी हुई है। तो अगर जब आप इतने पॉइंट पर देखते हैं तो इतने सभी पॉइंट पर अगर आप देखें तो कोई भी पॉइंट आपके लिए नया नहीं है। ये सभी टॉपिक को आप अच्छे से जानते हैं और इन सभी टॉपिक्स पर आप चाहें तो लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम कहें कि अब इन्हीं टॉपिक के आधार पर हमें लिखना है तो आप किस प्रकार लिखेंगे कि परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ सब चीज़ें बदलती रहती हैं। समय के इस बदलाव में हमारा प्रदेश सांस्कृतिक रूप से काफ़ी बदलाव महसूस कर रहा है, नई पीढ़ियाँ पुराने पीढ़ियों का स्थान ले रही हैं, एक नया युवा वर्ग आ रहा है और नया युवा वर्ग प्रगतिशील होते हुए नई चीज़ों को देखने का प्रयास कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं वह अपनी लोक सभ्यता और परंपराओं को भूलता जा रहा है। शहरीकरण ने छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक प्रभावित किया है। उद्योगों ने रोजगार के अवसर तो निश्चित रूप से पैदा किए हैं, बट इन औद्योगिकरण ने प्रदेश में प्रदूषण का स्तर भी काफ़ी उच्च स्तर पर कर दिया हुआ है। आदिवासी संस्कृति जो इस प्रदेश की पहचान हुआ करती थी, वह उसने अपनी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को खोया है। अगर आप इस देखें तो आप सेंटेंस ऐसे जमाते जाएं और इन पॉइंट के आधार पर आप निबंध लिखते जा सकते हैं। ये निबंध मैंने आपको बताया बहुत बेसिक रूप से। आप जो पॉइंट जानते हैं, किसी भी तरीके के नॉलेज की ज़रूरत इस पॉइंट पर आपको नहीं थी और आपने बहुत ही सिंपल तरीके से ये निबंध लिख लिया। तो अभी जिस निबंध पर हमने चर्चा की वह निबंध एक सरल निबंध है। यदि आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आप अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं और उन आसपास की चीज़ों को देखते हुए आप एक निबंध लिखते हैं तो आप इस तरीके का एक निबंध लिख सकते हैं और इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। और इस तरीके का निबंध भी अगर आप लिखते हैं तो एक लिखने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आपको इसमें कुछ मार्क्स भी मिल सकते हैं। लेकिन हमें कुछ मार्क्स तो पाने नहीं हैं, हमें अधिक से अधिक मार्क्स पाने का प्रयास करना है। तो अगर हमें अधिक से अधिक मार्क्स पाने का प्रयास करना है तो हम अपना कैसा निबंध लिखें। अब हम दूसरे चरण का एक निबंध देखने की कोशिश करते हैं कि टॉपिक हमारा यही है, छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक बदलाव का दौर एवं सरकार के प्रयास। अब हमने थोड़ी पढ़ाई मान लीजिए की है, हमने पहला निबंध लिखा बिना किसी तरीके के पढ़ाई के अपने आसपास की चीज़ों को सोचकर।
अब हम दूसरा निबंध देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने मान लीजिए मुख्य परीक्षा की नहीं तो कम से कम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की है और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के आधार पर हम एक निबंध लिखने जा रहे हैं। तो हम क्या क्या लिखने वाले हैं, तो जब आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के बाद निबंध लिखने जाएंगे तो जो चीज़ें हमने शामिल की थी अपने पहले पार्ट में कि शहरीकरण हो, औद्योगीकरण हो, नई संस्कृति का मिलना हो, इनके अलावा आप और कौन सी चीज़ों को शामिल करेंगे। देखिए पहली चीज़ें तो हर कोई शामिल करेगा क्योंकि वह समाज को देखकर निबंध लिखा जा रहा है, तो वो चीज़ें तो हर कोई शामिल करेगा ही करेगा अपने निबंध में। अब थोड़ा जो पढ़ा हुआ है, जिसने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की हुई है, वो कैसे निबंध लिखेगा, वो कौन कौन से टॉपिक को शामिल करने की कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए आप अभी वर्तमान में किन किन टॉपिक को शामिल करने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं। पहला है नरबलि। आप देखेंगे कि सर छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो नरबलि नाम की एक प्रथा थी। ये नरबलि की प्रथा अब वर्तमान समाज में देखने को नहीं मिलती है, तो सांस्कृतिक रूप से हम क्या हुए हैं, थोड़ा बदले हैं और नरबलि जैसी जो कुप्रथा थी वो खत्म हुई है। झूम खेती होती थी कि जंगलों को जलाया जाता था और जंगलों को जलाकर उनमें खेती की जाती थी, उस टाइप की संस्कृति थी, वह क्या हुई है, खत्म हुई है। कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था, आप देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी उम्र में ही क्या कर दिया जाता था, विवाह कर दिया जाता था। तो वो कम उम्र का जो विवाह है वह अब नहीं हो रहा है। अब जो सरकार की उम्र सीमा है 18 साल और 21 साल, उसका पालन किया जा रहा है ज़्यादातर जगहों में। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो सांस्कृतिक रूप से ये बदलाव आया है कि नियमों ने संस्कृति को प्रभावित किया है। तो नियमों का संस्कृति का प्रभाव आप देखते जा रहे हैं और आपने ये कैसे जाना, क्योंकि आपने थोड़ी पढ़ाई की है, इस आधार पर अब आप क्या है जान रहे हैं। आप देखते हैं कि जाति व्यवस्था, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में भी जाति व्यवस्था है, तो जाति व्यवस्था का जो एक चरण है, तो जाति व्यवस्था का चरण धीरे धीरे टूटा है जैसे जैसे लोगों में जागरूकता फैली है और ये जातिगत व्यवस्था जो है वो टूटी है। तो आप देखेंगे सांस्कृतिक रूप से जातिगत व्यवस्था भी क्या हुई है, बदलाव के दौर से गुजरी है। आप देखेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है और संस्थागत जो प्रसव है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। तो सामाजिक रूप से अगर देखें आप तो सामाजिक स्वास्थ्य का जो दायरा है वो काफ़ी फैला है। और आपने ये कैसे जाना, आपने क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की, तो अब आप जान रहे हैं कि हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य का स्तर है वह छत्तीसगढ़ प्रदेश में फैला है, बढ़ा है। लिंगानुपात का जो स्तर है वह छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छा है और लिंगानुपात के स्तर पर अगर आप सांस्कृतिक रूप से देखें तो संस्कृति में महिलाओं का अपना एक विशिष्ट स्थान है और महिलाओं की स्थिति के आधार पर अगर हम संस्कृति और सभ्यता को देखते हैं तो छत्तीसगढ़ एक बहुत ही विशिष्ट संस्कृति का राज्य बनता है। तो इस आधार पर आप लिंगानुपात के आधार पर भी संस्कृति को यहाँ देख सकते हैं। शिक्षा का स्तर, छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार प्रगति कर रहा है। 70% से अधिक जो यहाँ की आबादी है वो क्या हो चुकी है, शिक्षित हो चुकी है। तो शिक्षा का जो स्तर है वह अभी काफ़ी बढ़ा है। आप और क्या देखते हैं कि सरकारी योजनाएँ हैं उनकी पहुंच प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच पाई है, अर्थात आज जो भी सरकार योजनाएं चलाती है उन सभी योजनाएं, जैसे कि मान लीजिए चावल बंटने का प्रोग्राम है, तो आज की डेट में लगभग अधिकतर लोगों को चावल कम से कम प्राप्त हो जाता था। पहले कभी हुआ करता था कि सरकार चावल देने का कार्यक्रम तो चलाती थी, अपनी योजनाएं तो चलाती थी, बट उन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को प्राप्त नहीं हो पाता था। परंतु वर्तमान परिस्थिति में जो जागरूकता आई है, जो सांस्कृतिक बदलाव आया है, एक जागरूकता का स्तर आया है, जो शिक्षा में बदलाव आया है, उसके कारण योजनाओं का लाभ लोगों को प्राप्त हो पा रहा है। तो यह भी एक रूप से आप देखें तो ये बदलाव का ही दौर है जहाँ पर हम थोड़ा बहुत बदल रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाया है। अब आप देखें अगर तो आधुनिक टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का कैसे विकास हुआ है, जैसे मैं और आप YouTube के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो बदलाव इसी तरीके से तो होते हैं, चाहे समाज के बदलाव हों। जैसे अगर हम कहें कि हमने प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक मोबाइल कोर्स लाया, मोबाइल कोर्स की कीमत हमने रखी 3150 रुपये। अब प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल को देखते हुए आराम से कर सकते हैं। इससे पहले क्या हो रहा था, इसके पहले आपको अपने गाँव से, अपने कस्बे से निकल कर दूसरे शहर रायपुर या बिलासपुर जैसे शहर में आना पड़ रहा था। तो अगर आप देखें तो एक मोबाइल ने, एक टेक्नोलॉजी ने आपको क्या कर दिया, आप घर बैठे आपको तैयारी कराने लग गया। तो
इसका मतलब यही होता है कि टेक्नोलॉजी सामाजिक रूप से काफ़ी परिवर्तन लाने में सक्षम है। और आप एक जब पढ़ाई करते हैं, जब आप एक जागरूक व्यक्ति बनते हैं, तो आप टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक उपयोग कर रहे होते हैं। तो यह भी सामाजिक बदलाव का एक क्या करता है, कारण बनती है टेक्नोलॉजी। और क्या देखते हैं आप, और आप देखते हैं कि सामाजिक बदलाव के रूप में जो सबसे अहम चीज़ होती है कि समाज सब बदलाव होगा ही संभव तभी जब हर व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम होगा। बिना आर्थिक रूप से सक्षम हुए व्यक्ति या समाज परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो समाज में बदलाव के लिए सबसे जरूरी चीज़ है आपका आर्थिक रूप से सशक्त होना। तो जब आप आर्थिक रूप से परिवर्तन छत्तीसगढ़ में देखते हैं, तो आप कहते हैं कि हाँ, छत्तीसगढ़ बदलाव के दौर से गुजर रहा है। तो अगर मैं इन सब पॉइंट्स को एक बार फिर से देखूं, जो हमने पहले डिस्कस किए कि जब आपको कुछ नहीं आता था, आप किन पॉइंट्स पर लिखेंगे। जब आपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर ली, तब आपको पता है नरबलि के बारे में, झूम खेती के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में, टोनही प्रथा के बारे में, शहरीकरण के बारे में, स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में, लिंगानुपात, शिक्षा, सरकारी योजनाएं, टेक्नोलॉजी और रोजगार के बारे में। तो जब आप इन सब पॉइंट्स को मिलाकर लिखते हैं, तो आपका निबंध और कुछ बेहतर होते जाता है। देखिए, अभी तक मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, उस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि आपको यह बताना कि निबंध लिखना कितना सरल है। जो बातें आपको पता हैं, केवल उन्हीं बातों को ध्यान में रखना है और उन्हीं बातों के आधार पर आपको एक निबंध का फॉर्मेट तैयार करना है। अब यदि यहां से मैं निबंध को फॉर्मेट करना स्टार्ट करूं, तो मैं कैसे करूंगा? मैं उसे कुछ सामाजिक कारणों को बताऊंगा, फिर मैं शहरीकरण जैसी भूमिकाओं को बताऊंगा, फिर मैं रोजगार के संबंध की बातें करूंगा, फिर मैं स्वास्थ्य के संबंध में बातें करूंगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो निबंध का एक अलग तरीके से पैकेजिंग होगी और मैं 750 शब्दों का निबंध लिख लूंगा। पर क्या ऐसा निबंध ही मुझे अच्छे मार्क्स दिला सकता है? हो सकता है कि कुछ अच्छे मार्क्स मुझे ऐसे निबंध में भी मिल जाएं, पर ऐसा निबंध मुझे लिखने का एक साहस तो जरूर प्रदान करता है। अगर आपने जितनी बातें आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के दौरान पता हैं, उन बातों के आधार पर निबंध लिखते हैं, तो आप एक अच्छा निबंध लिख रहे हैं और आप कुछ अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हैं। अब इस निबंध के तीसरे पार्ट पर मैं चर्चा करूँगा कि वास्तविक रूप से जब आप दो बार निबंध लिख लेंगे, एक बार बिना कुछ पढ़ाई किए हुए समाज को देखकर, एक बार थोड़ा बहुत पढ़कर, और उसके बाद जब आप तीसरी बार निबंध लिखने जाएंगे, तब इस टॉपिक को कितनी गहनता के साथ विश्लेषण करेंगे और उसके बाद जो निबंध निकल के आएगा वह किस स्तर का होगा। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं कि हमारे तीसरे स्तर का निबंध कैसा होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा निबंध एक्चुअल में होना कैसे चाहिए, और निबंध जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक अच्छा निबंध हम कैसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम निबंध में जब जाएंगे, तो हम देखेंगे कि टॉपिक क्या दिया गया है, उस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। अब तक हमने जो समझा है वह एक रैंडम तरीके से निबंध लिखने से देखा था कि हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करना है। अब हम एक अच्छा निबंध लिखने का प्रयास करेंगे। तो अच्छे निबंध लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें टॉपिक को समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक बदलाव का दौर एवं सरकार के प्रयास। सांस्कृतिक बदलाव का दौर मतलब हम कह रहे हैं कि सांस्कृतिक रूप से छत्तीसगढ़ अब क्या हो रहा है, बदल रहा है। और ये टॉपिक जब मैं क्रिएट कर रहा था, तो हम क्या था, इस टॉपिक को क्रिएट करते समय मैं देख रहा था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के संबंध में व्याख्यान दे रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ इस विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में यहाँ का मुख्यमंत्री नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के संबंध में चर्चा कर रहा है। अब आप इसे कैसे बदलाव के रूप में नहीं देखेंगे? यह एक ऐसा बदलाव है जैसे मैं कहूँ कि छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को एक सीधा साधा और सरल व्यक्ति समझा जाता था, और यहाँ का जो नेतृत्व था वह कभी भी केंद्रीय स्तर पर हावी नहीं रहा। केंद्रीय स्तर जरूर यहाँ पर हावी रहा, बट छत्तीसगढ़ में जो नेतृत्व करता थे वे कभी केंद्र स्तर पर हावी नहीं रहे। पर वर्तमान में मैं ये देख पाता हूँ कि यहाँ का नेतृत्व एक उभरते हुए नेतृत्व के रूप में उभर रहा है और देश दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम फैल रहा है। तो सांस्कृतिक बदलाव के रूप में मेरा जो इस टॉपिक को देने का उद्देश्य था, उसमें प्राथमिक उद्देश्य ही यही है कि छत्तीसगढ़ क्या है, जो सीधे साधे लोग थे यहाँ के, जो सरल लोग थे, जो शायद बहुत बड़े सपने नहीं देख रहे थे, वे अब क्या रहे हैं, एक नया सपना देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ को नए रूप से गढ़ने के लिए अब क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। तो अगर मैं इस निबंध में शुरुआत करूँगा, पहला इंट्रो लाइन दूंगा, तो यही दूंगा कि छत्तीसगढ़
जहाँ पर सीधे साधे लोगों की भूमि थी और सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध जननी के रूप में जिस प्रदेश को जाना जाता था वह क्या है, नए सपनों को गढ़ रहा है। और यहाँ का मुख्यमंत्री विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में यहाँ की प्रचलित योजनाओं के संबंध में चर्चा कर रहा है। एक नया बदलाव छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। तो सबसे पहला जो बदलाव देख रहा हूँ मैं, वो देख रहा हूँ यहाँ का नेतृत्व क्षमता के आधार पर, यहाँ के सपनों के संबंध में एक छत्तीसगढ़ प्रदेश एक नए सपने के रूप में उभर रहा है। दूसरा पॉइंट आप देखते हैं इस प्रदेश की ऐतिहासिकता। आपने देखा कि वर्तमान में जैसे रीवा, पचराही, खारून सभ्यता नई सभ्यताओं के रूप में आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ कभी भी इतने ऐतिहासिक रूप से नहीं देखा गया था। छत्तीसगढ़ को यह माना जाता था कि छत्तीसगढ़ की जो सभ्यता और संस्कृति है वह बहुत ही नवीन सभ्यता और संस्कृति है, और ऐतिहासिक रूप से इसका बहुत ज़्यादा वर्णन आपको कहीं देखने को नहीं मिला था। लेकिन वर्तमान समय में जो खुदाई हो रही है, चाहे वह रीवा में हो खुदाई हो रही हो, चाहे पचराही की खुदाई हो, खारून नदी के तट पर जो खुदाई चल रही है उसे तो एक सभ्यता का रूप दिया जा रहा है। तो अगर आप ऐतिहासिक रूप से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ को, दूसरा पॉइंट जो मैं बना रहा हूँ ऐतिहासिकता से, कि छत्तीसगढ़ सपनों के रूप में तो चल ही रहा है, एक नया सपना तो देख ही रहा है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ का इतिहास देखें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास भी अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है। और छत्तीसगढ़ में जो खुदाई हो रही है उन खुदाई से पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ प्राचीन रूप से बहुत ही समृद्ध संस्कृति को लेकर चल रहा है। तो दूसरा पॉइंट आपका बनता है ऐतिहासिक पक्ष को लेते हुए। फिर अगर आप देखें तो लोक कला का अंतर्राष्ट्रीयकरण, छत्तीसगढ़ में हम अगर देखें कला के रूप में समृद्ध कला रही है हमारी, चाहे हम अपने मध्य छत्तीसगढ़ के संबंध में बातें करें या फिर हम अपने दक्षिण छत्तीसगढ़ में संबंध बातें करें, आदिवासी संस्कृति के बारे में बात करें, वहाँ के लोक और गान के संबंध में बातें करें, चाहे वो गौर नृत्य हो, माड़िया डांस हो, या फिर मध्य छत्तीसगढ़ में नाचा और गम्मत जैसी चीज़ें हों, कर्मा नृत्य हो, ये सभी अपने आप में क्या रहे हैं, समृद्ध रहे हैं। और अब इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याख्यान हो रहा है। और आपने इसे कहाँ पे देखा, आपने इसके देखा छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव के रूप में। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव के रूप में। अब इसके संबंध में अगर आप जब चर्चा करते हैं तो आप देखते हैं कि 25 से अधिक राज्य इसमें शामिल हुए, 6 से अधिक देशों के अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर आए और एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। और छत्तीसगढ़ में जो कला थी उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आप अंतर्राष्ट्रीयकरण के रूप में भी देखें तो छत्तीसगढ़ क्या हो रहा है, एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और जहाँ हम अब तक हमको क्या है उतनी पहचान नहीं मिली थी, अब हम एक नई पहचान के रूप में उभर रहे हैं, आपको ये पॉइंट मिलता है। फिर अगर आप देखें तो दो चीजें जो यहां बहुत प्रसिद्ध रहीं, एक रही पांडवानी, तीजनबाई जी के कारण छत्तीसगढ़ में पांडवानी एक अपने उत्कृष्ट रूप को प्राप्त कर पाई। तीजनबाई जी ने उसका अंतरराष्ट्रीयकरण किया और अलग अलग देशों में पांडवानी का गायन किया। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर को प्राप्त किया। तो अगर आप देखें तो जो लोक कला है उसने भी क्या किया है, वैश्वीकरण को प्राप्त किया है, लोकल एरिया से निकलकर वो एक बड़े एरिया की ओर गया है। तो एक सांस्कृतिक बदलाव आप लोक गायन के क्षेत्र में, लोक नृत्य के क्षेत्र में देखने को यहाँ पर मिलता है। तो आप इसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अगला लिख सकते हैं आप कि छत्तीसगढ़ पर्यटन के रूप में कैसे उभर रहा है। तो राम वनगमन पथ पर चर्चा हो या बौद्ध सर्किट पर चर्चा हो, इन दोनों ही में अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ का वर्णन आ रहा है। राज्य सरकार ने वनगमन मार्ग पर काफ़ी विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की है कि किस तरीके से ये मार्ग बनाया जाएगा। बौद्ध सर्किट में आपका सिरपुर को शामिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इन आधारों पर आप देखें तो पर्यटन हमारे प्रदेश का क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है और हम भारत के मंच में पर्यटन के रूप में उभरने वाले हैं। साथ में छत्तीसगढ़ सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है, छत्तीसगढ़ सरकार योजनाएं चला रही है कि अलग अलग जो पर्यटन स्थल हैं उन पर्यटन स्थलों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। मान लीजिए हमने कहा कि तीरथगढ़ और चित्रकूट दोनों ही अगर आप जगदलपुर जाएँ तो अलग अलग डायरेक्शन में देखने को आपको मिलेंगे। अगर एक कॉमन रोड से इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो व्यक्ति तीरथगढ़ जा रहा है वह चित्रकूट भी जाएगा। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे पर्यटन के केंद्र हैं उन सभी पर्यटन केंद्रों को सड़क मार्ग के माध्यम से
कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है एक सिंगल लाइन के माध्यम से। तो ये योजना सरकार जो ला रही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, वह हमारे सांस्कृतिक बदलाव में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाली है और छत्तीसगढ़ पर्यटन के रूप में नए रूप में उभरने वाला है। तो इस पॉइंट को भी आप अपने ऐसे में शामिल कर सकते हैं। फिर क्या कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार, यहाँ के साहित्यकारों को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ की कृतियों को बढ़ावा देने के लिए सृजन पीठों का निर्माण कर रही है। तो ये सृजन पीठ का निर्माण क्या हो रहा है, हमारे संस्कृति को, हमारे साहित्य को सबके सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम बन रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ में जो निबंध लिखे जाते हैं उनमें एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि अगर आप छत्तीसगढ़ सरकार जिन योजनाओं को चला रही है उन योजनाओं को शामिल करते हैं अपने निबंध में तो आपके नंबर प्राप्त करने की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाती है। कि अगर हम सामाजिक बदलाव के रूप में देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में सामाजिक बदलाव के रूप में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं और इन योजनाओं ने निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के समाज को किया है। इनमें सबसे पहली योजना है आपकी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना, जिसके संबंध में हमारे प्रदेश में बहुत अधिक चर्चा हो रही है और हमारे मुख्यमंत्री इसको हर एक मंच के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी योजना है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, जिसके तहत इस प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है। 65 लाख राशन कार्ड, इस प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने अपने सभी परिवारों को, प्रदेश के सभी परिवारों को राशन कार्ड देने का निर्णय लिया है और उन सभी को स्वास्थ्य सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। तो इस आधार पर देखें तो ये दो योजनाएं सामाजिक रूप से आपके बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें हमें इस निबंध में शामिल करना चाहिए, तो अगर आप देखें अगली योजना है पौनी पसार योजना। तो पौनी पसार योजना के संबंध में आप लिख सकते हैं कि सरकार किस तरीके से जो हुनरमंद लोग हैं प्रदेश के, वे सांस्कृतिक रूप से कुछ निर्माण कर रहे हैं, उन्हें खरीदने के, उन चीज़ों को खरीदने का निर्णय ले रही है। आप बात कर सकते हैं मुख्यमंत्री सौर शक्ति योजना के बारे में कि सरकार ने किस प्रकार निर्णय लिया हुआ है कि वह छतों पर ही बिजली बनाने का कार्य करेगी और किस तरीके से जो खर्च है उसको कम करने का प्रयास करेगी। सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश में। जनजाति सलाहकार परिषद का निर्माण किया जा रहा है कि जनजातियाँ सुरक्षित रह सकें और सामाजिक रूप से समृद्ध रह सकें। खेल विकास प्राधिकरण का निर्माण किया जा रहा है। खेल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कि वे आगे बढ़ सकें, वे अच्छा कर सकें, इसके संबंध में निर्णय लिया जा रहा है। महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार बहुत ज़्यादा जागरूक है और सुपोषित जननी विकसित धरनी अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार माताओं का, शिशुओं का ध्यान रखने वाली है और इसके माध्यम से कुपोषण जैसी समस्या से लड़ने वाली है। तो अगर आप देखते हैं तो ये विभिन्न योजनाएं हैं, इन योजनाओं को आप अपने निबंध में शामिल कर सकते हैं। अब कुछ आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं, इन आंकड़ों को भी आपको अपने निबंध में शामिल करना चाहिए। तो जैसे एक निबंध है तो लिंगानुपात, साक्षरता दर, किशोर और युवाओं की जनसंख्या, स्वास्थ्य सूचकांक, क्रियाशील स्वास्थ्य सुविधा, SC/ST की जनसंख्या, राशन कार्ड की जनसंख्या। तो अगर जब आप इन पॉइंट्स को देखते हैं तो इतने पॉइंट्स चर्चा करने के बाद आपको क्या लगता है कि अब निबंध कैसे लिखा जाना चाहिए। देखिए मैंने निबंध एक बेसिक रूप से स्टार्ट किया था और मैंने एक स्टैंडर्ड रूप में लाया, लेकिन क्या जो मैंने स्टैंडर्ड रूप बताया वो अपने आप में कम्प्लीट है? तो जी नहीं, जो हमने पहले दो पार्ट किए हैं उन दो पार्ट को मिलाकर ही ये निबंध पूरा होता है। कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से है कि जो हमने तीसरे पार्ट पर अपनी चर्चा की सपनों के बारे में, प्रदेश के मुखिया सपने क्या देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास किस प्रकार से है, इसकी लोक कला किस प्रकार से है, यहाँ का पर्यटन किस प्रकार से है, तो ये आप अपने पहले के पेज में इस तरह की चर्चा करते हैं। जब आप निबंध लिखेंगे तो अपने पहले पेज में यह चर्चा करेंगे। आप अपने दूसरे पेज में क्या चर्चा कर रहे होंगे, तो दूसरे पेज में आप चर्चा कर रहे हो जो हमने सबसे पहले चर्चा की, समय के साथ जो बदलाव आ रहे हैं, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच जो अंतर आ रहे हैं, जो लोकाचार बदल रहा है, जो भौगोलिक कारण बन रहे हैं, जो अपराधीकरण फैल रहा है, इसको आप क्या करेंगे अपने दूसरे और तीसरे पेज में जगह देंगे। और जो आपने नरबलि, झूम खेती, जाति व्यवस्था, टोनही, स्वास्थ्य सेवाएँ, रोजगार, शिक्षा, लिंगानुपात, इन पर जो हमने चर्चा की वो हम अपने तीसरे और चौथे पेज पे जगह दे रहे होंगे। अर्थात अगर आप पूरा निबंध देखें तो हमने ये कहा था कि हम कुछ नहीं जानते थे, वहाँ से हमने अपना निबंध स्टार्ट किया था, उन पॉइंट्स को भी शामिल किया अपने निबंध में जो हम कुछ नहीं आते हुए भी आ रहे थे, और
एक अच्छा निबंध लिखने के लिए हमें जो पॉइंट पता होने चाहिए थे उन पॉइंट को शामिल करने के बाद हम अगर एक पूरी पिक्चर बनाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हम उन तीनों ही चीज़ों को जब निबंध में शामिल करते हैं, एक सामाजिक कारण भी हमको देखने को मिला, एक डाटा का कारण देखने को मिला हमें, और एक हमें देखने को मिला ऐतिहासिक रूप से हम किस चीज़ का वर्णन किस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो तीन स्तर पर आप निबंध बनाते हैं और उसके आधार पर आप अपना निबंध लिखते हैं। अब लास्ट लाइन जो आपको निबंध का लिखनी है वो अगर एक सामाजिक निबंध है तो सामाजिक निबंध में आपको लिखना ही होगा कि समाज में जब तक परिवर्तन नहीं होता, जब तक समाज स्वयं नहीं चाहता, व्यक्तियों में परिवर्तन के साथ ही समाज में परिवर्तन आ सकता है। तो सरकारी प्रयास महत्वपूर्ण है, सरकार योजनाएं चला रही हैं, सरकार सभी पक्षों को देखने का प्रयास कर रही है, पर एक प्रदेश के रूप में एक बेहतर प्रदेश अगर हमें बनाना है तो इस प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक रूप से उत्थान करने का प्रयास करना होगा। और जब प्रत्येक व्यक्ति इस प्रदेश का उत्थान के संबंध में सोचेगा तो निश्चित रूप से यह प्रदेश अपनी सर्वोत्तम ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि निबंध को हमने समझा और जाना। आगे आने वाले कुछ टॉपिक में हम और समझेंगे कि निबंध किस तरीके से लिखा जाता है। मेरी पूरी चर्चा आपको इस बात पे थी कि निबंध को किस तरीके से सरल बनाया जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा निबंध लिख सकें। आपको अगर कुछ नहीं आता वहाँ से आपको स्टार्ट करना है लिखना और आप देखेंगे कि आप एक अच्छा निबंध लिख पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो निबंध टॉपिक मैंने ज़रूर आपको कुछ दिए हुए हैं कि कुछ पॉइंट्स दिए हैं, एक निबंध लिख कर तो आपको मैंने नहीं दिया है। तो हम आगे कुछ निबंध लिखने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन आज के निबंध का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपको यह बता पाऊं कि निबंध लिखना एक आसान कार्य है। आप बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी जानकारियों को अगर आप जोड़ लेते हैं तो आप एक अच्छा निबंध लिख लेते हैं। डिस्कशन कमिटी में जो दूसरा टॉपिक था कुपोषण की समस्या और छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयास, इसमें आप देखेंगे तो आनंद सर के द्वारा पहले ही इस टॉपिक पर चर्चा कर ली गई है। आप डिस्कशन कम्युनिटी में जो हमारे पहले वीडियो बन रहे थे साप्ताहिक रूप से, उन पे इस टॉपिक पे काफ़ी डिटेल पे चर्चा की गई है, इसलिए मैं यहाँ पर उस टॉपिक पे चर्चा नहीं करूँगा और आप वहाँ पर उसको जाकर देख सकते हैं। हम अपने इस वीडियो के लिंक में भी उस वीडियो का लिंक दे देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आज का हमारे निबंध का टॉपिक कम्प्लीट होता है। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।